बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं ज़ुल्फ़िकार अशरफ वाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी के ज़ेर सदारत खाद की दस्तियाबी और मुकर्रा कीमतों पर फरहमी के हवाले से इजलास का इनकार। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कसूर मोहम्मद जाफर चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हकपुरी, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रात खाद डीलर एसोसिएशन के अहदेदारान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी ने कहा कि ज़िला भर में खाद की ग्रांट फरोशी जहीरा अंदोजी करने वाले खाद डीलरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। खाद की मुकर्रर कीमत से ज़ायद नखों पर फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़िला इंतजामिया खाद की मुकर्रर कीमतों पर फरहमी को वारसूर यकीनी बनाएगी। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर खाद के स्टॉक्स की कड़ी निगरानी की जाएगी। खाद डीलर्स दुकानों पर रेड लिस्ट को नुमाया जगहों पर अवेजा और खाद की मौजूदगी को यकीनी बनाएं। कैश मेमो और रिकॉर्ड रजिस्टर को अपडेट रखा जाए और खाद की मुकर्रर कीमतों पर फरोख्त को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने कहा खाद की फरोख का रिकॉर्ड मरतब न करने वाले डीलर्स और दुकानों से खाद को सरकारी तवील में लेकर सील कर दिया जाएगा। खाद की जहीरा अंदोजी करके काश्तकार को लूटने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस मौका पर खाद डीलर एसोसिएशन की जानिब से जिला इंतजामिया के साथ मुकम्मल तावन और सरकारी नरखों पर खाद की फरोख करने की मुकम्मल यकीन दहानी